घुटते इस दम के बीच में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के मौसम विभाग के वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि 2 नवंबर को हल्की राहत मिल सकती है। कुछ जगहों पर सिर्फ 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। हवा की गति कम होने के चलते प्रदूषण कण वातावरण में एक ही जगह पर ठहर गए हैं। देखेंगे जो अभी हमारे पास हवा चल रही है वो उत्तरी पश्चिमी हवाएं और पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिनकी स्पीड लगभग 7 से 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है। और अगर आने वाले दिनों की बात करते हैं तो कल थोड़ी सी हमारे पास विंड स्पीड लगभग 10 से 12 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, तो थोड़ी सी आपकी एयर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन जो ज़्यादा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंट अमाउंट में आपका एयर क्वालिटी इंप्रूव करेगा और जो पॉल्यूटेंट डिस्पर्स करेंगे, वो 2 तारीख से है। 2 तारीख और 3 तारीख में हमारे पास विंड स्पीड पिकअप करेगी और जो एयर क्वालिटी में आपका डिटोरिएशन हुआ है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा और पॉल्यूटेंट का डिस्पर्सन दिल्ली एनसीआर से स्टार्ट हो जाएगा। 2 और 3 का मुख्यतः 2 तारीख की शाम के बाद से 3 और 4 में विंड स्पीड लगभग 15 से 20 किलोमीटर पर आवर रह सकती है, तो इससे हमारे पास सिग्निफिकेंटली जो एयर पॉल्यूटेंट है वो डिस्पर्स होंगे।